साल 1933 का एक सैड सॉन्ग दुनिया का सबसे मनहूस गाना माना जाता है। इस गाने में इतना दर्द था कि इसे सुनकर 200 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस गाने को सुनते ही लोग कर लेते थे खुदकुशी। संगीत दुनिया में खुदा का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है, क्योंकि जो सुकून संगीत सुनने में मिलता है वो किसी और काम को करने से नहीं मिलता है। और दुनिया का शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसको म्यूजिक और गाने पसंद नहीं आते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि संगीत से मुर्दों में भी जान फूकी जा सकती है, लेकिन ये बात सुनकर आप बिल्कुल ही चौंक जाएंगे कि दुनिया में ऐसे गाने भी बनाए गए हैं जिनको सुनकर लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते थे। कहते हैं अगर दिल को खुश करना हो या अपने गम को भुलाना हो तो लोग अक्सर गानों का सहारा लेते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई गाना ऐसा हो जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाए कि उसे बैन करना पड़े? आप ये सुन के तो हैरान हो गए होंगे। हैरान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताते हैं कि इस गाने को सुनने के बाद आखिर ऐसा क्या होता था कि लोग इस गीत को सुनने के बाद आत्महत्या कर लेते थे। आज हम इसके पीछे की रहस्य को जानने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। संगीतकार की कहानी। रेजिसो सेरेसे की जन्म 1889 में हुआ। पियानो वह बहुत अच्छा बजाते थे। वो एक गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन बहुत संघर्ष करने के बाद भी उन्हें ब्रेक नहीं मिल पाया। उनका ज्यादातर जीवन गरीब में ही बीता था। उनकी असफलताओं से उनकी गर्लफ्रेंड इतनी परेशान हो गई थी कि उसने सेरेसे को कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा करने की सलाह देती थी, लेकिन सेरेसे अपना नाम कमाना चाहते थे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानने से इनकार कर दिया। इस वजह से साल 1932 में एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई। अपने करियर के बाद अपने प्यार से मिले धोखे ने सेरेस को बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। उस दिन से कई दिनों तक वो पियानो पर दर्द भरे साथ छेड़ते रहे। साथ ही उन्होंने 1933 में ग्लूमी संडे नाम का एक गीत भी लिखा और इसे अपनी उदासी भरी आवाज में यूं ही गा दिया। देखते ही देखते ये गाना उनके दोस्तों के बीच मशहूर होते हुए पूरी दुनिया के लोगों की जुबान पर चढ़ गया। ग्लूमी संडे सुनने से होने लगी आत्महत्या की घटनाएं। जी हाँ गाइस, इस गाने के हिट होते ही रहस्यमय घटना भी घटने लगी। सबसे पहली घटना बर्लिन में हुई, जहाँ एक लड़का ने यह गाना सुनकर अपने आप को गोली मार ली। वही न्यूयॉर्क में एक बुजुर्ग 7वीं मंजिल से नीचे कूद गए। हंगरी के एक 17 साल की लड़की ने इस गाने को सुनते हुए खुद को पानी में डूबकर मर गया। इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसी हजारों सुसाइड की घटनाएं घटती चली गई जिसकी वजह से ये गाना था। ग्लूमी संडे आत्महत्या की वजह क्या है? इस गीत में इतना दर्द था कि जो इस गीत को सुनता था एक बार उसे अपने दर्द का एहसास होने लगता था। आलम कुछ ऐसा हुआ कि इस गाने को सुनने के बाद कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस गीत को इतना मनहूस माना जाता है कि इस गाने पर 63 साल के लिए बैन लगा हुआ था। प्रेम कहानी पर आधारित दुनिया का सबसे दर्द भरा गीत इसे ही माना जाता है, जिसका नाम है ग्लूमी संडे। इस गाने में प्रेम कहानी का दर्द बयां किया गया जिसे सुनकर लोग आत्महत्या करने लगे। यही नहीं, इसे रोकने के लिए एक जादूगर ने फिर से गाने को फिर से कंपोज किया, लेकिन यह सिलसिला नहीं थमा। उसके बाद इस गाने को दुनिया का सबसे मनहूस गाना माने जाने लगा और साल 1941 में गाने पर बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद 2003 में यानी कि 2003 में इस गाने से दोबारा बैन हटा लिया गया। फिलहाल इस गाने को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस गाने में ऐसा क्या है। इस गाने की भयावहता को देखते हुए आपको भी सलाह दी जाती है कि इस गाने को आप सुने या न सुने, लेकिन आत्महत्या नहीं करना। तो शायद आप समझ गए होंगे कि आखिर ग्लूमी संडे सॉन्ग के पीछे का क्या रहस्य था, इसके पीछे का क्या कारण था जिस कारण इंसानों ने इस गाने को सुनकर आत्महत्या किए थे। क्या आप भी सैड सॉन्ग से इंटरेस्टेड है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए सत्यम फैक्ट रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर सेट कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।